हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टोकोस टाइम चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो जेई के एग्ज़ाम की दोबारा से डेट आई है, जो रीशेड्यूल का नोटिस आया था एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो देखने वाले हैं। पहले जो एग्ज़ाम 31 तारीख को होने वाला था, वो अब जो एग्ज़ाम है वो तीनों ही एग्ज़ाम अब 1 तारीख को होंगे, तो उसके बारे में जो हम देखने वाले हैं। तो आप ये जो है साइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, www.hsc.government.in पे, तो आपको मिल जाएगा पहले जो नोटिस आया था वो भी, और उसके बाद जो रीशेड्यूल नोटिस आया है उसमें भी। तो देख लेते हैं कि एग्ज़ाम डेट क्या है। तो देखिए, जेई की जो सिविल की एग्ज़ाम डेट है वो 1 तारीख कर दी गई, मतलब संडे को ही एग्ज़ाम होगा। वो तीनों ही तीन शिफ्टों में होगा। फर्स्ट शिफ्ट जो होगी उसका जो पेपर होगा वो 9 से 10:30 बजे तक होगा, और वहाँ पर उपस्थित होने का समय 7:30 बजे और 8:30 बजे के बाद कोई भी प्रवेश नहीं होगा। ठीक है, कुछ बच्चों को टाइमिंग का था कि कितने टाइम का पेपर होगा, तो 1.5 घंटे का पेपर होने वाला है। तो आप देख भी सकते हैं 9 से 10:30 का है। ठीक है, तो 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट्स का जो है आपका पेपर होगा। ओके, उसके बाद जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल एंड बागवानी का जो पेपर है वो होगा सेकेंड शिफ्ट में, जो कि होगा 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक। इसमें जो है 12 बजे के बाद जो है एंट्री जो है वो अलाउ नहीं होगी। 11:10 पर जो है वहाँ पे उपस्थित होना है। उसके बाद अगर बात करें इलेक्ट्रिकल की, तो ये भी संडे को ही होगा, और इसका जो टाइम रहेगा वो रहेगा 4 से 5:30 बजे। यानी कि पहले जो पेपर 31 को होने वाला था और 1 को होने वाले थे, वो क्या कर दिए गए हैं, तीनों एक ही दिन कर दिए हैं। सिर्फ इतना सा ही चेंज हुआ है, लेकिन डेट चेंज नहीं हुई है। डेट अभी भी वही है, 1 तारीख को पेपर पहले भी होना था और अब भी होगा। ठीक है, बाकी आपको टाइमिंग से थी प्रॉब्लम, तो वो 1.5 घंटे है जिसको नहीं पता थी। ठीक है, और जो सब्जेक्ट वगैरह थे वो मैंने आपको बता ही दिए थे। 75% वही सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, ये सब आएगा, और 25% जो होगा वो हरियाणा जीके से रिलेटेड होगा, हरियाणा साहित्य, भूगोल, इन सब से। ठीक है, 90 अंक का पेपर होगा, लेकिन नहीं वेट, देखिए 100 क्वेश्चन जो आएंगे इसमें वो आएंगे 100 क्वेश्चन। ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मार्क्स कितने के होंगे, 90 मार्क्स के, क्योंकि हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 0.8 मार्क्स का होगा। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपनी तैयारी को जो है अच्छे से शुरू कर दीजिए। एग्ज़ाम बस आ ही चुका है, 10 दिन रहते हैं। ओके, थैंक यू।